खबर पीलीभीत जनपद से है, जहां पीलीभीत में सेंट जोसेफ स्कूल छात्र छात्राओं को फीस न जमा होने पर परीक्षा में शामिल होने से रोक दिया, जिससे लगभग 2 घंटे तक छात्रों के परिजन व स्कूल स्टाफ के बीच विवाद चलता रहा। पूरा मामला पूरनपुर सेंट जोसेफ स्कूल का है, जो आए दिन चर्चा में रहता है। आज सुबह जब छात्र छात्राएं स्कूल में कक्षा 10 और 12 की परीक्षा में शामिल होने पहुंचे, तो उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया, जिसकी जानकारी बच्चों ने अपने परिजनों को दी, जिसके बाद लगभग 2 घंटे तक बच्चे स्कूल के गेट पर खड़े रहे और स्कूल स्टाफ और परिजनों के बीच फीस को लेकर नोकझोंक होती रही। गुरेंद्र सिंह जी, आज स्कूल के बाहर बच्चे खड़े हुए हैं, क्या है पूरा मामला? सर, हमारे बच्चों की फीस एक इंस्टॉलमेंट जमा भी है, लेकिन आज एग्ज़ाम पे टाइम पे इतनी ठंड में बच्चों को बाहर खड़ कर दिया उन्होंने स्कूल वालों ने, ठीक है, और उनके पेपर का टाइम भी निकल जा रहा है। ठीक, इस बारे में सर मैं तो सभी गार्जियन से भी कहूँगा कि सभी लोग स्कूल में आएँ और मैनेजमेंट से बैठ के बात करी जाए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फीस नहीं जमा है, फीस की एक इंस्टॉलमेंट, कईयों की दो दो इंस्टॉलमेंट भी जमा है बच्चों की, उन्हें भी लाइन में खड़ा करा गया और कम से कम 2 घंटे हो चुके हैं। कौन सा स्कूल है और किस क्लास के बच्चे हैं? सेंट जोसेफ स्कूल है सर, पूरनपुर में, और 10th और 12th के बच्चे हैं जो कि परेशान हैं। लगभग कितने बच्चे होंगे सर? लगभग करीब मेरे अंदाजे से सर बच्चे होंगे करीब 200 बच्चा होगा। वही खबर चलने के बाद बौखलाए टीचर द्वारा पत्रकार को धमकी देने का ऑडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, फीस न मिलने पर स्कूल प्रशासन ने छात्रों को परीक्षा में शामिल होने से रोक दिया था, जिसका मामला उजागर होने के बाद फजीहत से बचने के लिए अध्यापक ने पत्रकार को ही धमकी दे डाली। आरोपी रियाज स्कूल में अध्यापक के पद पर तैनात है। आरोपी के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी गई है। यह पूरा मामला पूरनपुर थाना क्षेत्र के सेंट जोसेफ स्कूल का है। हेलो, हाँ हेलो, नाजिम बोल रहे? जी, रियाज बोल रहा हूँ मैं, सेंट जोसेफ स्कूल से। जी भैया, बताइए। कल तुम ही गए थे वहाँ कवरेज करने के लिए? हाँ, हम थे, गिने और थे। और कौन था? क्या हुआ बताइए, मतलब तुमने क्या खबर चला दी? वो 2 घंटे रोका और ये करके, अब तो दे तो दिया करो, तो करोगे तुम, वो भरना पड़े तुम्हें उन्हें, आलोक मिश्रा को या किसी को, एलिगेशन उनके ऊपर लगे। क्यों 2 घंटे रोका तुम्हें पता है? बाइट है हमारे पास परिजनों की, बाइट। परिजनों से मतलब क्या है? बाइट से क्या मतलब है? तुम्हें तस्दीक करोगे कुछ नहीं करोगे? तस्दीक करने के लिए हम टीचरों से वार्ता कर रहे थे, जब टीचर बढ़ते नहीं करेंगे फिर हम क्या करेंगे, जबरदस्ती तस्दीक कर लेंगे। किससे टीचर से वार्ता कर रहे? मौके महसूस थे टीचर, फादर का नंबर लगाया, फादर नंबर नहीं उठा रहे थे, तो जब फादर यहाँ ही नहीं करेंगे, मादर फादर यहाँ, तो झूठी सीधी खबरें बस ऐसे करके चलाओ, करके चलाया करो। झूठी कैसे कह सकते हो आप? हमें जानते हो, मुझे जानते हो? अरे हम तुम्हें जानते हैं, नहीं जानते तुम झूठी कैसे कह सकते हो? हाँ, 2 घंटे रहे बच्चे, तुम्हें पता ये बात? अब क्यों 2 घंटे ऐसा है ना, बताइए, ऐसे हो और अपने लिमिट और उसके अंदर रहो, और ऐसी उल्टी सीधी खबरें चलाना जो है ना, अच्छा बंद कर दो। हाँ, नहीं तो इसका तुम्हें, नहीं तो क्या करेंगे, इससे खामियाजा भुगतना पड़ेगा तुम्हें, और क्या करेंगे? तुम्हें जो कर पाओ, सुन लो मेरी, तुम जो कर पाओ वो कर लो जाके, ठीक है? देखो ऐसा है ना, ज्यादा ओवर स्मार्ट ज्यादा मत बनना, मैं बता रहा हूँ, तुम जानते नहीं हो, तुम मुझे अरे जानने के लिए मुझे तुमसे रिश्तेदारी नहीं करना, मुझे मत दिखाओ, रिश्तेदारी नहीं करना है, ज्यादा ओवर स्मार्टनेस मत दिखाओ, मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं तुझे बता रहे हो अभी, पेड़ देगा तुझे, बता मुझे तू पेड़ सामने निकल गया, बताता हूँ, तू निकल गया सामने भी बताता हूँ, कोतवाली की तरह इधर रहता हूँ, जहाँ पे तेरा घर है मैंने पता लगा, इधर निकल के आ तू रेलवे स्टेशन के, ये रेलवे क्रॉसिंग के पास मेरा घर, तरफ तू क्या जाएगा, तू इधर कोतवाली की तरह, तू सामने आ, मैं यहाँ पे तुझे बता रहा हूँ, तू आ ना, बता रहे आ तू।